हाय गाइस, वेलकम टू नमनीसा ब्लॉग #22। गाइस, संडे का दिन है और आज हम लोग प्लान किए हैं कि शक्ति स्थल चलते हैं, जो कि है इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल स्मारक। ये जो पत्थर आप देख रहे हो पीछे, स्टोन है, ये काफ़ी बड़ा चट्टान है जिसका वेट है 25 टन से भी ज़्यादा। तो इनके स्मारक पे, इंदिरा गांधी जी के स्मारक पे ये क्यों रखा गया था, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो ये हम आपको क्लियर करेंगे और बाकी चीज़ें वहाँ जाने के बाद एक्सप्लोर करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा गाइस। तो पहले हम बता देते हैं ये पत्थर उनके स्मारक पे क्यों रखा गया था। गाइस, इंदिरा गांधी जी को 1984 में दो उनके बॉडीगार्ड ने मार दिया, ठीक है। मेरा ये लास्ट वीडियो था प्रधानमंत्री जन संग्रहालय वाला, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। उन्हें मॉर्निंग में मारा गया था, मैं उनकी मृत्यु के बारे में तो बता ही दिया। तो क्यों रखा गया था, ये इसलिए क्योंकि उन्हें आयरन लेडी बोला जाता था इंदिरा गांधी जी को। जी हाँ, आयरन लेडी के नाम से वो फेमस थी। अपने देश के प्रति उनका जो काम था उसके लिए उनको आयरन लेडी बोला जाता था। इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने फैसला लिया कि आयरन लेडी के लिए आयरन चट्टान रख देते हैं उनके स्मारक पे। दैट्स इट, यही है इनकी हिस्ट्री। अभी हम लोग जाएंगे और एक्सप्लोर करके आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो, मैं हूँ ज्योति, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि नवनीत जी आप लोगों को बताए कि हम लोग शक्ति स्थल घूमने जा रहे हैं, जो कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को सारी बातें बता चुके हैं और बाकी चीज़ें आपको वहां जाके कैमरे से दिखाया जाएगा। इंदिरा गांधी कौन है? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी है। कहाँ की? भारत की। जा रहे हैं हम लोग शक्ति स्थल। अच्छा, ज्योति जी के साथ में। कुछ बोल रहा है? कुछ नहीं बोलेगी, बस मुस्कुराएगी। Make a break when you never did stand a chance. Tell me up, don't you tell us so how you actually feel. If you do, then I'll cut you right at the heel, and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change to. And baby, कौन सा है? कमल का फूल है क्या ये? ये वाइट वाटर लिली, उसी के प्रजाति का है। चलो वहाँ देखो लोग कैसे कैसे सो रहे हैं पार्क में, बच्चे लोग हैं। एक एक फ़ोटो को क्लिक करो और गूगल सर्च करो, पता चल जाएगा। इमेज सर्च, मतलब कितना शांति है यहाँ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग दिल्ली में आए हैं। यहाँ पे शांति स्थल बोलो, शक्ति स्थल बोलो, जगह शांति वन भी तो शांति वन भी बोला जाता है इसे। भैया, शक्ति स्थल कहाँ पे है? शक्ति स्थल कहाँ पे है? शक्ति स्थल इतना बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा अंदर आगे। बहुत बड़ा है, अंदर बना हुआ, इसलिए सबके नाम लिखे हैं इसमें, कुछ ना कुछ है लिखे हुए। राजीव गांधी की बनी हुई है। जिस चट्टान की हम लोग बात किए थे वो दूर दिख रहा है, अभी हम पास में जाके दिखाएंगे आप लोगों को, जो 25 टन से भी ज़्यादा वजन का है चट्टान। चलिए पास चलते हैं। गाइस, यही पत्थर है जो 25 टन से भी जिसका ज़्यादा वजन है, काफ़ी विशाल है। आप लोग आओ एक बार देखो इसे सामने से,
इन्हीं के नीचे इस ज़मीन पे मतलब इंदिरा गांधी जी का यहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था और इसी के ऊपर ये पत्थर रखा गया। पत्थर क्यों रखा गया मैंने बताया था आपको, एक बार और बता दूं कि उनकी जो सोच थी अपने भारतीय जो जिनके लिए वो प्रधानमंत्री बनी अपने देश के लिए, तो एक आयरन लेडी के नाम से वो जानी अपने अपने काम के लिए, तो उसी आयरन लेडी के लिए पत्थर रखा गया स्ट्रॉन्ग सोच और उनकी वो के लिए। सलाम ऐसे नेता को। एक बार आना चाहिए आप लोगों को जो जो देख रहे हो ये वीडियो उन सबको। ये राजघाट के पास शक्ति स्थल है और यहाँ की जो पेड़ हैं पौधे हैं एक बार सबको देखो। और ये पेड़ पौधे से ये क्या कर रही है, क्या देख रही हो ज्योति? फूल देख रही थी। सिल्क फ्लॉस ट्री है ये, इधर दो हाथ में सिल्क फ्लॉस ट्री। गूगल का जमाना है, गूगल कर लिए। सर में लगा लो पीछे ऐसे। नहीं ये सर में नहीं है। गाइज आप देख सकते हो कि इसी पार्क में अभी बच्चे घूमने के लिए पीछे आ रहे हैं, यही है वो वन है। तो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि आप आ सकते हो और यहाँ घूम सकते हो फैमिली के साथ, कपल के साथ, ठीक है। ये साइड राजघाट हो गया, इस साइड वीरभूमि हो गया, राजीव गांधी का इधर हो गया और ये उधर इंदिरा गांधी जी का हो गया शक्ति स्थल। आगे तुमको कैसा लगा घूम के ज्योति? शांतिवन, शक्ति स्थल, बहुत शांति है, बहुत शांति है। और क्या क्या है बताओ? अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है, बहुत सी चीज़ देखने वाला है। क्या क्या है जैसे कि तुमको दिखा वो बताओ? राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा स्मारक वो बना हुआ है ना पत्थर वाला, राजीव गांधी का भी है, राजीव गांधी जी का भी है। सबसे बड़ा बात क्या है, क्या शांति लगेगा आपको? थोड़ा सा रोड की आवाज़ आएगी गाड़ी की कि पीपा पीपा पाएगी, हॉर्न की आवाज़ आएगी और अंदर आओ। यहाँ यहीं यहाँ कपल ज़्यादा नहीं मिलेंगे लैला मजनू, तो फैमिली मिलेंगे, फैमिली टाइप का पूरा पार्क है ये, सब लोग आते हैं। पीछे भी आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, दिख रहे होंगे आप लोगों को। और इधर मेन रोड के पास मैं बैठा हूँ और इधर मेन रोड से एग्जिट कर जाऊँगा बाहर से। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला घंटी का बटन दबा देना, रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। और लास्ट में क्या बोलेंगे, जय हिंद जय भारत।